किसी अतिथि के झूठे पात्र को उठाकर हम अगर ना मांजे, बर्तन हम नहीं मांजे, आपके यहां बर्तन वाली लगी है मत मांजो, आपके यहां बर्तन मांजने वाली लगी है मत मांजो, किसी अतिथि के झूठे बर्तन को उठाकर जहां बर्तन मांजे जाते हैं वहां रख दिया जाए और उसमें थोड़ा सा पानी नल में से लेकर उस झूठे बर्तन में डाल दिया जाए तो मृत्यु लोक में अगर भूल से भी अगला जन्म हो जाता है, अगला जन्म अगर हमारा प्राप्त हो जाता है तो सुंगर की योनि जीव को कभी नहीं मिलती है। बरहा की योनि, शुगर की योनि नहीं मिलती है। अतिथि आया, उसके झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, उठाए नहीं, पड़े रहिए, और उस बर्तन को उठाने वाली ने उठाया, मांजने वाली ने मांजा। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि उस बर्तन को आपको नहीं मांजना, मत मांजो, बर्तन वाली लगी है वो मांज लेगी, पर उस बर्तन को उठाकर जहां मांज रहा है, जहां पर साफ हो रहा है, जहां पर साफ किया जा रहा है वहां रखकर थोड़ा सा पानी ही डाल दिया तो भी उसमें हमारी एक योनि छूट जाती है। 84 लाख योनि में से एक योनि समाप्त हो जाती है, सुंगर की योनि। और जो अतिथि देवो भव, अतिथि के झूठे बर्तन को जो पानी तक नहीं डालता है, मांजने की तो बात जान दो, उठाकर पानी तक नहीं डालता है तो तुम्हारे घर के आसपास में जितना भी नाली में सुंगर दिखे उनको पहचान जाना कि ये अपना रिश्तेदार है, ये नहीं उठाता था इसलिए इसकी ये योनि पड़ी गई, और तुम्हारे ही मोहल्ले में वो घूमता है क्योंकि उसका घर पास में ही था, वही पहचान। 84 लाख योनि में से एक योनि सुंगर की योनि, बरह की योनि कट जाती है मात्र अतिथि के झूठे बर्तन में पानी डाल देने से। अब यहां तो आप लोग भोजन करते हो, भोजन करने के बाद में प्लेट वहां रख दे